उसने जो को पूछे सो कह दिए कि हाँ और ना, सो जो सीखत रहो हाँ ना सीखत रहो। जो ससुराल में पहुंचो सो इनकी सास बोली काय पाओ नहीं आ गए, सो जो बोलो हाँ, सास बोली काय पाओ नहीं आ गए, सो जो बोलो हाँ, बोले काय पाओ ने बिटिया खानी लुवा ले आए, सो जो बोलो ना, सास बोली काय पाओ ने बिटिया की तबीयत खराब है का, सो जो बोलो हाँ, सास बोली काय बेटा दवाई नहीं कराई, सो जो बोलो ना। अब दो तो जानती है तू हाँ और ना, तीसो तो कछु जानती ना तू। ऐसा है जो राम सिंह भगवान का सुन, ऐसी एक दिन की तबीयत खराब भाई, तबीयत खराब भाई राम सिंह डॉक्टर लोग है, डॉक्टर साहब ने वो आला नहीं लगाओ जात करिया करिया वो कानन में लगाओ डॉक्टर, और फिर इकी सीना में तबीयत खराब है थी। डॉक्टर साहब ने दो ठगुआ पूरियां नहीं एक ठगुआ शिशिया दई, बोले जे खुराक खा लेना और पीछे से दो ढक्कन दबा ले लेना। ठाड़े हुई राम सिंह, ये है राम सिंह संतोष दुबे को चेला, जो भाई गाय हम गबुआ, जो गाय बढ़िया गाता है हमसे और कहां लगाए, बैठ जाओ। डॉक्टर साहब ने दो ठगुआ पूरिया नहीं एक ठगुआ शिशिया दी, बोले ये खुराक खा लेना और पीछे से दो ढक्कन दवा ले लेना, इन्हें जाने के पछाई पोंदन बेड़ा ही जात। जो आप घरे सुबह खुराक खाई, खबर आई के डॉक्टर साहब ने कही थी दो ढक्कन पीछे से ले लेना, इन्हें दो ढक्कन पछाई दवा दवाई डाल वो शुरू करो, अब सात आठ दिन बाद दवाई पूरी पुरानी टी भरा गई, ये डॉक्टर लो फेंकूंगा। डॉक्टर साहब बोले का भैया काय राम सिंह का होगा तुम्हें, जी बोले साहब हम ठीक नहीं भाई, तो डॉक्टर साहब ने पर्चा बदल दो, बोले अब की बार ये खुराक खाना और शांति के साथ लेटना, ये खुराक खाना और शांति के साथ लेटना। सोचिए घर से इनने बोला है कैसे पर्चा बचवाओ, ये देखो 101 रुपया भोपाली हम पे फायदा है, 101 रुपया का पुरस्कार भैया भोपाली की तरफ से हमको मिला है, 20 हम लोग सिनैया से हमारे ले जो हम कैसे नहीं गए, अब भाई हम देन नहीं चाहो, हम लोग मरगटा की नकन जाए इतने आ गई फिर घरे ना जी, 5 बेर बोले हम बैठो तुम, दस बोल रहे 20 रुपया दे दे, अच्छा 80 और दे।